एजाज खान ने लगाया जासमिन भसीन पर बड़ा आरोप, कहा कि वो दूसरी टीम की तरफ हो रही है बायस्ड। वेल, चलिए जानते हैं क्या देखने मिलेगा बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में। बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा घमासान भरा होने वाला है, जहां बिग बॉस ने दे दिया है घर वालों को लग्जरी टास्क, और इसी टास्क के दरमियान हर कंटेस्टेंट अपना पूरा दमखम दिखाते नजर आएगा। जहां घर के सदस्य बट चुके हैं दो टीमों में, जहां एक टीम है शैतान तो दूसरी है फरिश्ता। ऐसे में आपको बता दे टास्क की संचालक है जासमिन भसीन। जी हाँ, एक टीम है शैतान, जहाँ शैतान टीम में है अली गोनी, एजाज खान और निकी तंबोली, तो वही दूसरी और फरिश्ते टीम में है जान कुमार सानू, पवित्रा पुनिया, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलायक। ऐसे में संचालक बनी जासमिन भसीन पर एजाज खान ने बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ, आपको बता दे शैतान टीम में बनी निकी तंबोली ने रुबीना दिलायक को दे दिया है एक टास्क, जहाँ रुबीना का फेवरेट टॉय रुबीना को खराब करना होगा। ऐसे में रुबीना कई हद तक ये टास्क पूरा करती भी नजर आ रही है, पर निकी का कहना है कि रुबीना सिर्फ एक्टिंग कर रही है, वो अपना टॉय खराब नहीं कर रही, जो कि टास्क की रिक्वायरमेंट है। बस इसी बात पे चिढ़ चुकी है जब, और संचालक बनी जासमिन को सुनना पड़ रहा है एजाज खान से कई बातें। एजाज खान ने जासमिन पर लगा दिया है आरोप। एजाज का कहना है कि जासमिन दूसरी टीम की ओर बायस्ड हो रही है, वो रुबीना टास्क ठीक से नहीं कर रही तब भी उसी का सपोर्ट कर रही है। वेल, जासमिन और एजाज में बड़ी आर्ग्यूमेंट देखने मिलेगी। ऐसे में जासमिन के खिलाफ होने वाले है अली गोनी भी। जी हाँ, अली गोनी भी शैतान टीम में बने हुए है। वही अली का कहना है कि जासमिन उन्हें इग्नोर कर रही है, जिस बात से अली और जासमिन में भी बहस देखने मिलेगी। अब देखना होगा कि कौन होगा इस लग्जरी टास्क का विनर और किसे मिलेगी लग्जरी बजट। फिलहाल तो जासमिन पे एजाज ने बड़ा आरोप लगाया है। आप फिलहाल प्रोमो देखिए, और आपका इस बात पे क्या है कहना आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शो से जुड़े अपडेट्स को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।